तो म्हारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है ना, आज के लेक्चर में हम आपकी फेडरल बोर्ड की 10th क्लास की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट हैं ये वाला चैप्टर और आगे वाला जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं समझने में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, उनके स्ट्रक्चर्स बनाने में, उनके केमिकल रिएक्शंस याद करने में। सो उस हवाले से ये जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान से पूरा लेक्चर देखना, पहले लेक्चर को अच्छे से देख लिया करो, उसके बाद नोट्स बना लिया करो, ठीक है? तो चलते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 11.1 की स्टेटमेंट पे और उसके सोल्यूशन पे। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या है कि गिव द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल एंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूलाज फॉर ब्यूटेन, हेक्सेन एंड ऑक्टेन। ये तीन आपको कंपाउंड्स गिवन हैं, जिसमें ब्यूटेन है, दूसरा हेक्सेन है और तीसरा ऑक्टेन है। आपने इन तीनों कंपाउंड्स के तीन फार्मूलाज लिखने हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है आपने इनका, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। ठीक हो गया? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट ए को देख लेते हैं, जिसमें आपने ब्यूटेन के लिए तीनों फार्मूलाज राइट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग राइट कर लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द ब्यूटेन। ब्यूटेन में चार कार्बन होते हैं, ठीक है? ये अल्केन फैमिली का मेंबर है, और अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है CnH2n+2, ठीक है? और ये n क्या होता है इसमें? n होता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है? अल्केन्स में जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं उसको हम डबल करते हैं और उसमें 2 ऐड कर देते हैं, तो उतने उसमें क्या होते हैं? हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। जैसे ब्यूटेन में चार कार्बन होते हैं, तो चार को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 8 होता है, उसमें 2 ऐड कर देंगे, टोटल कितना बनेगा? 10। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन कितने होंगे? 10 होंगे। तो हम राइट कर लेते हैं C4H10। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूले की। अब देखो, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूले में कि हमारे पास टोटल चार कार्बन है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला राइट करने का तरीका क्या है? चार कार्बन को आपने सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरह से, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप इस वाले कार्बन को देखो तो ये एक बॉन्ड बना रहा है। कार्बन जो है मैक्सिमम चार बॉन्ड बना सकता है, तो एक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है इसका, तो तीन बॉन्ड ये फर्दर बना सकता है इस तरह से। इसी तरह ये कार्बन भी एक बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है और ये तीन बॉन्ड फर्दर बना सकता है। इस वाले कार्बन को देखो, ये एक बॉन्ड बना रहा है इधर और एक बॉन्ड बना रहा है इधर, दो बॉन्ड बना रहा है, तो दो ये फर्दर बना सकता है। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी, ठीक है? अब यहाँ पर आपने सब जगह पे हाइड्रोजन्स अटैच कर देने हैं, ठीक है? तीन यहाँ पे लग जाएंगे और दो दो इन कार्बन के ऊपर लग जाएंगे, दो इस कार्बन पे लग गए और दो इस कार्बन पे लग गए। ये हो गया बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम बनाते हैं इसका, लिखते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। वो कैसे लिखेंगे? वो हम ऐसे लिखेंगे, देखो, पहले हम लिखेंगे इस वाले CH3 को, फिर हम लिखेंगे इस CH2 को, फिर हम लिखेंगे इस CH2 को, फिर हम लिखेंगे इस CH3 को, कुछ इस तरह से। ये पहला CH3 आ गया, ठीक है? ये CH2 आ गया, ये वाला, फिर आगे CH2 आ गया, फिर आगे CH3 आ गया, ठीक है? तो ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लिया आपने। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि है हेक्सेन। अब हेक्सेन में छः कार्बन होते हैं, तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे? छः को 2 से मल्टीप्लाई करो 12 और 2 ऐड करो 14, तो
तो C6H14 इसका मॉलिकुलर फार्मूला बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हमारे पास 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को हमने सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। अब ये कार्बन और ये कार्बन एक एक बॉन्ड बना रहा है, तो ये तीन तीन बॉन्ड फर्दर बना सकता है। दरमियान वाले कार्बन सारे के सारे दो दो बॉन्ड बना रहे हैं। देखो इस कार्बन को देखो, एक इधर और एक इधर। इसी तरह इस कार्बन को देखो, एक इधर और एक इधर, ठीक है। हर कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है, तो हर कार्बन दो फर्दर बॉन्ड बना सकता है कुछ इस तरह से। हमने सारी जगह पे हाइड्रोजन्स कनेक्ट कर देने हैं, तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया हेक्सेन का। फिर हम राइट करते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कैसे करेंगे? बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी आपको समझाया कि पहले हम इस CH3 को लिखेंगे, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2 एंड फिर CH3। ये देखो ये CH3, फिर 4 CH2 यूनिट आ जाएंगे दरमियान में, दो हो गए, फिर ये 3, फिर ये 4 एंड एंड पे CH3 अगेन। तो ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब है हमारे पास ऑक्टेन, 8 कार्बन वाला अल्केन। तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 16, और 2 ऐड कर दो, 18। तो C8H18 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है 8 कार्बन। स्ट्रक्चरल फार्मूले में 8 कार्बन को आपने सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ लेना है कुछ इस तरह से। सिमिलरली कॉर्नर वाले जो कार्बन हैं, ये तीन तीन बॉन्ड्स फर्दर बना सकते हैं, ठीक है। और दरमियान वाले जो कार्बन हैं वो दो दो बॉन्ड बना सकते हैं। तो हमने सब जगह पे हाइड्रोजन्स अटैच कर देने हैं कुछ इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया इसका। अब हम लिखेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने लिखे हैं ब्यूटेन और हेक्सेन के लिए, कि पहले ये CH3, फिर CH2 एंड ये CH3, ठीक है। तो पहले CH3 आ गया, फिर दरमियान में 6 CH2 यूनिट्स आ जाएंगे। ये पहला CH2, ये दूसरा CH2, ये तीसरा CH2, फिर ये फोर्थ CH2, फिर फिफ्थ CH2 एंड देन सिक्स्थ CH2 एंड एंड पे CH3, ठीक है। सो इस तरह से बच्चे आपकी ये जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज थी 11.1 ये सॉल्व हो गई। होपफुली थानू चंगी तरह क्लियर हो गया होगा लेक्चर। अभी फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लिया करें, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ठीक है, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।